लाइफ में सबका तो प्रॉब्लम रहता है, लेकिन हमें आजकल थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि हम जहाँ पर रहते थे ना वहाँ से अब हम सबको वो प्लेस को छोड़ के जाने के लिए लेटर आया है। सो इसीलिए हम अब वहाँ पर नहीं रहेंगे। सो थोड़ा दिक्कत हो गया, दिक्कत होने वाला है। तो शायद हमारा ब्लॉग भी कुछ समय के लिए अब हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमें हमारा पूरा सामान सब शिफ्ट करना पड़ेगा। सो गाइस, हम जहाँ भी जाएंगे ना, वीडियो तो हम कैप्चर जरूर करके रखेंगे, और वही वीडियो बाद में एडिट करके हम अपलोड तो करेंगे। सो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरा इस नया ब्लॉग में। सो अभी हम आप लोग को एक इंटरेस्टिंग वाला ब्लॉग करने वाले हैं गाइस। सो इस ब्लॉग में हम क्या करेंगे कि नेपाली गीत को हम हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा। जैसे एक नेपाली सॉन्ग है, धान गोड्ने बेला भो गरी खेतको ठिकै छ ज्यान हजुर के छ उताको, धान गोड्ने बेला भो गरी खेतको ठिकै छ ज्यान हजुर के छ उताको। सो इस सॉन्ग को हम मैथिली में करेंगे ट्रांसलेट। सो मैथिली में कैसे कहेंगे इस सॉन्ग को? धान रोपै बेला भेलै नबका खेतै में ठिकै छी हम एत कि छै अहाँके, धान रोपै बेर भेलै नबका खेतै में ठिकै छी हम एत कि छै अहाँके। सो एक सॉन्ग हो गया। सो गाइस, एउटा गीत भयो है। लाइक अब मैले यो गीतलाई चाहिँ हाम्रो मैथिली कल्चरमा चाहिँ कसरी गाउँछ भनेर चाहिँ मैले ट्रान्सलेट गरिदिएको ल। सो नेपाली भ्युवर्सहरूले पनि मजाले हेर्नु है यो 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 भन्नाले यो ब्लग चाहिँ कस्तो एउटा गीत छ नि। धान गोड्ने बेला भो गरी खेतको ठिकै छ ज्यान हजुर के छ उताको। अब यसलाई कसरी भन्छ मैथिली मैथिली सङ्गमा भने, धान रोपै बेर भेलै नबका खेतैमा ठिकै छी हम एत कि छै अहाँके। सो यसरी पनि गाउनु मिल्छ है। सो गाइस, फेरि से हम थोड़ा दिक्कत वाला रास्ता में आ चुके हैं, पर हमारा एनएस हमें धोखा नहीं देगा, और आपको हम अब दूसरा सॉन्ग सुनाते हैं। दूसरा सॉन्ग क्या था? दूसरा सॉन्ग था, रुकिए हम जरा मोबाइल में चेक करके बताते हैं। सो गाइस, अर्को एउटा सॉन्ग छ। सो गाइस, एक दूसरी सॉन्ग है नेपाली में, उसको हम हिंदी में गाएंगे और मैथिली में भी गाएंगे। तो सुनिए ल, सुनौँ है गाइस है। कसैले सोधे कसैले खोजे बसाई सर्यो भन्दिउँला, बसाई सर्यो भन्दिउँला। अब यसलाई कसरी भन्ने ल मैथिलीमा है? कि जे खोज्तै कि जे पुछ्तै कै देह अब उचैले गेलै, कि जे खोज्तै कि जे पुछ्तै कै देह अब उचैले गेलै। सो गाइस, मैथिली बबाल ल्याङ्ग्वेज हो क्या। लाइक मैथिली है ना, इन्डियामा भी चलता है, नेपालमा भी चलता है, बहुत चलता है गाइस। सो ये बहुत अच्छा लगता है हमें, ये हमारा कल्चर है। हम अब कुछ नहीं छुपाएंगे गाइस, कुछ भी नहीं, सब कुछ एक्सप्रेस करेंगे। तो ऐसा ही है, यहाँ का प्लेस बहुत सुंदर है, नज़ारा, दिल बेचारा प्यार का मारा फंस गया बेचारा। डेटिंग हल्का फुल्का सेटिंग। तो गाइस, यो यहाँ का पंच मंदिर है, पंच मंदिर। यहाँ पर पहले ऋषि वेद व्यास ऋषि का नाम आप लोग सुने होंगे ना। सो यहीं पर से वो अपना धर्म कर्म क्या करते थे। कसैले सोधे कसैले खोजे बसाई सर्यो भन्दिउँला, कालो केशमा रेली मै बाँधेको रिबन, तिमलाई हेर्दै रेली मै बिताउला जीवन। धान गोड्ने बेला भो गैरी खेतको
ठिकै छ जान हजुर के छ उताको धान रोपै बेर भेलै नबका खेतैमा ठिकै छ हम एता कि छै अहाँके कालो केशमा रेली मै बाँधेको रिवन तिमलाई हेर्दै रेली मै बिताउला जीवन सो गाइज हमारा ब्लॉग ऐसा ही होता है सो आप सबको ढेर सारा प्यार और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पुराने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और ऐसा ही ब्लॉग हम नेपाल से लेते आएंगे थोड़ा सा लाइफ में सबका तो प्रॉब्लम रहता है लेकिन हमें आजकल थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो चुका है क्योंकि हम जहाँ पर रहते थे ना वहाँ से अब हम सबको वो प्लेस को छोड़ के जाने के लिए लेटर आया है सो इसीलिए हम अब वहाँ पर नहीं रहेंगे सो थोड़ा दिक्कत होने वाला है तो शायद हमारा ब्लॉग भी कुछ समय के लिए अब हम क्लोज़ कर देंगे क्योंकि हमें हमारा पूरा सामान सब शिफ्ट करना पड़ेगा सो गाइस हम जहाँ भी जाएंगे ना वीडियो तो हम कैप्चर ज़रूर करके रखेंगे और वही वीडियो बाद में एडिट करके हम अपलोड तो करेंगे आप लोग को दिखाएंगे हम कैसा कैसे हम अपने सामान सब शिफ्ट किए और अब हम ये पहाड़ को छोड़ के हम सब फैमिली तराई शिफ्ट होने वाले हैं सो तराई शिफ्ट होंगे तो इंडिया से और भी करीब हो जाएंगे उसके बाद तो आना जाना तो रहेगा ही उसके बाद थोड़ा मीटअप सीटअप सब होगा उसके बाद होगा तबाही पूरी तबाही हम भी चलाएंगे इंडिया के रोड में नेपाली ब्लॉगर इंडिया के रोड में नेपाली बाइक नेपाली नंबर प्लेट सो गाइस गोप्रो का एक सिस्टम इतना अच्छा है ना जो जितना भी आप गोप्रो जंप करेगा ना वो वीडियो बहुत स्टेबल देगा गाइस वीडियो क्वालिटी है ना एकदम बवाल देगा स्टेबल देगा उससे क्या होगा वीडियो में भी उतना सारा मूवमेंट नहीं होगा गाइज सो गाइज हम अभी हीरो 10 से ब्लॉगिंग कर रहे हैं सो हीरो 10 जो है ना बहुत अच्छी है बहुत अच्छा क्वालिटी देता है बहुत अच्छा वीडियो ये कैप्चर करता है सो एनीवेज अभी तो हम नेपाल से ब्लॉग कर रहे हैं सो देखिए अब जिंदगी हमें कहाँ कहाँ से ब्लॉग करवाएगी हम भी करेंगे ज़िंदगी हमें जहाँ जहाँ ले जाएगी हम वहाँ वहाँ जाएंगे तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा तो गाइस अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं अपने घर सो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हुए आप सबको ढेर सारा प्यार कहते हुए तो अभी हम ब्लॉग को एंड करेंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर लॉट्स ऑफ लव प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ सपोर्ट गाइज प्लीज़ सपोर्ट ज़रा से सपोर्ट कर दीजिए गाइज आपकी एक सपोर्ट से हमारा भला हो जाएगा